The recording has started. Just a minute. Yes. Okay. The recording has started. So let me start with today's lecture. Quick review of what we did yesterday, and then we are going to start with today's lecture. कल हमने जो है we talked about the equation of motion, and we wrote this equation of motion in terms of its normal and tangential coordinate system. That is, we resolved this force, the unbalanced force which is acting on the particle, as well as the acceleration of this particle into its components along the tangential axis, normal axis and binormal axis. So आपने both forces और acceleration को resolve कर लिया था, जिससे आपके पास ये जो vector equation थी, equation of motion, इससे आपके पास तीन scalar equations आई थी, summation ft equal to mat, summation fn equal to man, summation fb equal to mab. Since the particle is constrained to move within the anti plane, so आपके पास summation fb जो है वो equal to zero आ गया था. फिर हमने एक example भी solve की थी, जिसमें हमने देखा था कि summation fb zero का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बायनॉर्मल डायरेक्शन में आपके पास कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, रादर आपके पास कुछ फोर्सेस बायनॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, लेकिन वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को जो है वो बैलेंस कर रही होंगी. जहां तक ताल्लुक इन दो इक्वेशंस का है, समेशन एफ टी इक्वल टू एम ए टी एंड समेशन एफ एन इक्वल टू एम ए एन, यू नीड टू अप्लाई द काइनेमेटिक्स एज वेल फॉर रिलेटिंग द accelerations with velocities and times wherever required. So at की अगर हम बात करें तो at हमारे पास v डॉट के बराबर होता है, और इसके अलावा ए एन की अगर हम बात करें तो ए एन हमारे पास एज पर द डिस्कशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ लास्ट चैप्टर, ए एन इज बेसिकली वी स्क्वायर ओवर रॉ के बराबर होता है. सो यू नीड टू सम ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग अलॉन्ग द टेंजेंशियल एक्सिस एंड पुट देम इक्वल टू एम ए टी. सिमिलरली यू आर गोइंग टू रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग अलॉन्ग द नॉर्मल एक्सिस एंड पुट देम इक्वल टू एम ए एन और एम वी स्क्वायर ओवर raw, and then you are going to solve these equations in order to find out those unknown quantities. As we have discussed earlier, this chapter, which is kinetics of a particle, force and acceleration, so whenever you need to require the relationship between forces and acceleration, aap ye equation of motion ka jo hai wo istemal karte hain. Wo xyz coordinates mein humne last week dekha tha, is week hum anti coordinates mein dekh rahe hain, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको आर थीटा जी कोऑर्डिनेट्स में जो है वो देखेंगे. इसके अलावा फिर हमने कल बात की थी एग्जांपल 13-7 की, जिसमें बाकी चीज़ें तो क्लियर थी सारी, फ्री बॉडी डायग्राम आपने किस तरह ड्रॉ करनी है. सिर्फ इसमें जो एक डिस्कशन पॉइंट था वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन के हवाले से था, बिकॉज we defined that the friction force always acts in a direction which is opposite to the relative motion between the two surfaces. Up till now, इससे पहले तक जितने हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जनरली जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व थी, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में, बल्कि ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स में, कहानी कुछ इस तरह की थी कि आपके पास एक फिक्स सरफेस था जिसके ऊपर एक पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा था. तो रिलेटिव मोशन उस केस में एज सच नहीं आ रहा था, आपके पास पार्टिकल था जो कि एक स्टेशनरी सरफेस में मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शन जो है वो उस डायरेक्शन, उस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी. लेकिन ये वाला प्रॉब्लम ऐसा आ गया था जिसमें आपके पास दोनों सरफेसेस मूव कर रहे थे, और उन्हें हमें इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है इस डिस्क के ऊपर, वो उसका डायरेक्शन जो है वो जज करना था. उसके लिए फिर हमने वो रिलेटिव मोशन वाली कहानी जो है वो इस्तेमाल की थी, कि हमने किया क्या था कि हमने देखा था कि दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो किस तरह का है, और अकॉर्डिंगली फिर हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो जज करके उसको जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया था. सो ये हमने कल के लेक्चर में एग्जांपल सॉल्व की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल, विच इज एग्जांपल 13-9, और फिर हम एक या दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अगले टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद फिर हम जो है वो क्विज नंबर 1 कंडक्ट करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर विद एग्जाम्पल 13-9. आपके पास एक पार्टिकल है विच इज द 60 kg स्केटबोर्डर, एंड इट कोस्ट डाउन द स्मूथ सर्कुलर ट्रैक. सो द ट्रैक इज स्मूथ. सो अगर ट्रैक स्मूथ है, इट मीन्स के यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन योर एनालिसिस एज फार एज दिस एग्जाम्पल इज कंसर्न. नाउ इफ द पार्टिकल और इफ द स्केटबोर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 degrees, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस पोजिशन at which theta is equal to 0 degrees, you need to determine the magnitude of the normal reaction which this track exerts on him at theta equal to 60 degrees. So once this particle reaches to theta equal to 60 degrees, ye aapke paas wo theta hai, so once this theta reaches to 60 degrees, what is going to be the normal force which this track exerts on the particle.
neglects its size for calculation. It means कि you are assuming it as a particle और आप अपनी analysis जो है वो as a particle लेके जो है वो perform कर रहे होंगे. Okay, first of all, starting with drawing the free body diagram of this particle. So this is going to be if this is the position of the particle. आपके पास जो tangential axes आ रही हैं वो ये एक्सेस जाएंगी विच आर बीइंग डिफाइंड टेंजेंट टू द कर्व एंड अकॉर्डिंगली आपके पास जो नॉर्मल एक्सेस आएंगी दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सेस टूवर्ड्स द सेंटर. तो ये आपके पास नॉर्मल एक्सेस आ जाएंगी. सो टी एक्सेस और नॉर्मल एक्सेस ये दो एक्सेस आपके पास यहाँ आ गई हैं. डू यू रिक्वायर बायनॉर्मल एक्सेस इन दिस प्रॉब्लम? नो सर, क्योंकि आपका जो मोशन है वो सारा एंटी प्लेन में हो रहा है. द बायनॉर्मल एक्सेस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस एंटी प्लेन सिंस देयर इज नो फोर्स acting along the binomial axis. So aapko summation fb ki jo hai wo zarurat nahi hai. The two equations which are going to be used here are summation fn and summation ft wali equations jo hai unko hum istemal karenge. Okay, so ye hamare paas do axes humne define kar diye hain. Now coming to the forces which are acting on this particle. The first one is the weight of the particle which would be acting downwards. So humne weight ko jo hai wo vertically downwards draw kar liya. So this is going to be the weight of the particle which would be acting vertically downward. What should be the other force which is involved here? Normal force. It is a normal force. Kis axis ke along wo act karegi? N axis. So it is going to act along the N axis. So N axis ke along humne say ye normal force draw kar li, which is this normal force NC. और कोई फोर्स जो आप समझते हैं कि यहाँ आनी चाहिए? कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल. नहीं, देखें सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल इस तरह की फोर्सेस हम शो नहीं करते हैं ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस या रिएक्शन फोर्सेस आप जो है वो शो कर रहे होते हैं. ओके, एनसी और डब्ल्यू, व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? सर वो स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, उसमें मेंशन किया है. चूंकि स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है तो फ्रिक्शन नहीं आएगी. इन केस के स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ना होता तो देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द नेगेटिव टी एक्सिस. ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दैट केस इफ द ट्रैक इज नॉट अ स्मूथ ट्रैक देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टी एक्सिस. बट हाउएवर सिंस इट इज गिवन टू अस दैट दिस इज अ स्मूथ सर्कुलर ट्रैक सो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन here. Okay, so these are the forces which are acting on this particle. So if that angle is theta, so this angle should also be equal to theta. Aisa hi hai, ye theta hi hoga. W jo t axis ke sath bana raha hai. Yes sir. Okay, now how we are going to solve it? Anyone volunteer jo bata sake? Sir, ye jo normal force hai isko रिजॉल्व करेंगे और उसके फिर y कंपोनेंट वेट के साथ इक्वल करेंगे तो उसे नॉर्मल कंपोनेंट मिल जाएगा. बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अप्लाई समेशन ft इक्वल टू mat, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इज बीइंग अप्लाइड अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस. नाउ कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम? वेट के कंपोनेंट से जा रहा है. सिर्फ वेट का कंपोनेंट है. सो कौन सा कंपोनेंट? इज इट गोइंग टू बी कॉस कंपोनेंट ऑफ वेट और साइन कंपोनेंट ऑफ वेट? कॉस. कॉस कंपोनेंट ऑफ वेट. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. सो डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए टी. लेट मी से दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन व्हिच आई हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस. Okay, now moving to the normal axis and applying the same equation of motion, summation fn equal to man. What are the forces which are acting along the n axis? Anyone volunteer? Normal force and one of the component of weight. Okay, so one is the normal force, which is this nc acting towards the positive n axis. The other one is the component of weight, and since we have included the cos component along in the tangential equation, so यहाँ आपका sine component आना चाहिए. Should it be positive or negative? So it should be negative. NC minus W sine theta should be equal to m v square over rho. So मैं कहता हूँ ये मेरे पास equation number टू आ गई. सो वी हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन, जिससे हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं. एज फार एज द नंबर ऑफ
अननोन्स आर कंसर्न, थोड़ा सा इन इक्वेशन को अगर गौर से देखें, इन इक्वेशन में हमारे पास जो एक अननोन है इट इज दिस वेलोसिटी व्हिच इज अननोन टू अस, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इट इज अगेन अननोन टू अस, इसके अलावा दिस एटी इज ऑल्सो अननोन टू अस, सो वी हैव थ्री अननोन्स। ऑल्दो एटी की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहूँ तो फाइंड कर सकता हूँ बाई पुटिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज इन इक्वेशन नंबर वन, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एटी, फाइंड कर सकता हूँ एटी की वैल्यू। चलें सपोज मैं एटी की वैल्यू फाइंड करता हूँ और एटी की वैल्यू आ जाती है से एक्स, और यूनिट्स क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई भी वैल्यू आ जाती है एक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सोल्यूशन हमारा मजीद कैसे प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज इक्वेशन नंबर वन से एटी की वैल्यू मिल गई है बट इक्वेशन नंबर टू में एन सी और वी दोनों इन्वॉल्व हैं और दोनों अननोन्स हैं, इट मीन्स के एक इक्वेशन में दो अननोन्स, वी विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज वैल्यूज फ्रॉम सम अदर मीन्स सो दैट वी कैन फाइंड आउट द अदर वन। सर एटी से वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैसे? सर देखेंगे अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो कॉस्टिंग इक्वेशन एक्सेलरेशन यूज करेंगे। अच्छा एक सेकंड, यहाँ मैंने AT की वैल्यू फाइंड की बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज, मुझे AT की वैल्यू मिल गई x मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एनी वैल्यू, सो शैल आई अस्यूम दैट द AT इज कांस्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम? यस सर कांस्टेंट। अच्छा चले मेरे तारिक आप ही जवाब दे रहे हैं ना ये? जी सर। चले तारिक अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, मेरे पास एक्सेलरेशन है a इक्वल टू सपोज किसी प्रॉब्लम के लिए a इक्वल टू 3t, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ t की वैल्यू आप 2 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, तो t की वैल्यू 2 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या आप मैं ये 6 वैल्यू देख के ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है? नो सर, ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सेलरेशन वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है 3t था ना, तो एक्सेलरेशन वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो t के उस इंस्टेंट की वैल्यू डाली मैंने तो एक्सेलरेशन की एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई। सो अब अगर मैं इस प्रॉब्लम पे देखूं, मेरे पास at की वैल्यू ऑल्दो x मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है, लेकिन ये इक्वेशन क्या कह रही है कि at बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इट मींस दैट at इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, जो जो थीटा चेंज होगा at की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो रही होगी, ऐसे ही है। सो at इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो इफ at इज वेरिंग हाउ वी आर गोइंग टू देन रिलेट at विद v? सर वी थीटा के साथ काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, देखें थीटा के साथ चेंज होने का मतलब क्या है कि t के साथ चेंज हो रहा है ना, हर हर इंस्टेंट पे टाइम चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली at चेंज हो रहा है। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स रिवाइज करें, अब अगर at वेरिंग हो रहा है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड t, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन at एंड v नाउ? a इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय dt का, ये ही कौन सा रिलेशनशिप लेकर आए? थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश करें, मैं 30 सेकंड देता हूं तमाम स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा सोच लें। चैप्टर नंबर 12 की मैं बार बार कह रहा हूँ काइनेमेटिक्स को भूलना नहीं है, बिकॉज काइनेमेटिक्स आपकी हर हर प्रॉब्लम में किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल होनी है। हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट at थीटा एंड v? एक बात तो तय है कि at इज नॉट कांस्टेंट, इट मींस कि आप वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस को साइड पे रख दें, यू नीड टू अप्लाई दोस थ्री जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो उन तीन जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस में क्या कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर सकें यहाँ? जी एनीवन वॉलंटियर? अच्छा चलें हम बात करते हैं, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन वो हैं कौन सी, कोई बता सकता है जनरल इक्वेशंस? तो v = u + at ये वाली जो होती हैं? नहीं ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली है ना, कांस्टेंट वाली है हां। कांस्टेंट के अलावा जो तीन जनरल इक्वेशंस थी काइनेमेटिक्स की जो बिल्कुल पहले चैप्टर में स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, v = ds / dt का, यस ds / dt, और इस तरह a is dv / dt, व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन? अच्छा a is dv वो वाली जी, a ds = v, तो क्या ये रिलेशनशिप हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ?
for relating AT, V and theta. Can't we use this relationship? Because from equation number one, we can write AT is basically, अगर मैं W को MG के तौर पे लिखूं तो MM cancel हो जाएगा. AT आपके पास G cos theta है, ऐसे ही है. So putting the value of AT to be equal to G cos of theta equal to V dV. लेकिन ये cos theta आया हुआ है और हम DS कर रहे हैं, तो क्या is there any relationship between DS and D theta? क्योंकि d theta होगा तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना दोनों साइड्स को. s equal to r theta. Yes, that's correct. s equal to r या rho theta. So ds equal to rho d theta. rho यहाँ क्या है 4. So आप ds को हटा के यहाँ 4 d theta लगा देंगे और अब आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे. So coming to the solution of this problem, ये वो free body diagram है जो कि अभी हमने इससे पिछली स्लाइड पे step by step जो है वो draw की थी. Writing the equation summation fn equal to man, we are going to get this relationship जो कि हमने पिछली स्लाइड पे लिखा था, nc minus w sin theta equal to mv square over rho. Similarly, applying the equation along the tangential axis will give you w cos theta equal to mat. Accordingly, at would become equal to g cos theta and the value of g is 9.81. So at would become 9.81 cos of theta. So now applying the equation at ds equal to v dv, it means that 9.81 cos theta ds should be equal to v dv. और जैसा भी हमने बात की है, चूंकि हम integrate कर रहे हैं with respect to theta, तो इस ds को भी हम in the form of d theta लिख लेंगे. So ds is rho d theta and rho is 4 here. So it would become 4 d theta. Now we are going to integrate the left hand side from 0 to theta, the right hand side from 0 to v. So once we are going to integrate it, the value of v comes out to be 8.24 meters per second. Then we are going to put this value in equation number 1 in order to find out the normal reaction force, which comes out to be 1529 newton. So this is how we have solved it. यहाँ एक चीज जो आप गलत कर सकते हैं वो ये कि जब आप at की वैल्यू theta 60 पुट करें तो at की जाहिर है उस इंस्टेंट पे theta 60 पे भी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी. ये ना हो कि आप कहें कि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू और आप वो जनरल इक्वेशन के बजाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन अप्लाई करके अपना सोल्यूशन जो है वो गलत निकाल लें. नाउ at की उस इंस्टेंट पे तो जाहिर है किसी भी इंस्टेंट पे जब आप कोई वैल्यू निकालेंगे तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, लेकिन at is basically varying with respect to theta or with respect to time. हर इंस्टेंट पे हर टाइम के चेंज के साथ थीटा भी चेंज हो रहा है तो at भी जो है वो चेंज हो रहा है. सो बेसिकली at इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. सो यू कैन नॉट अप्लाई द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस, रादर आप फिर जो है वो जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस को अप्लाई करते हुए सॉल्यूशन करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? सर जो v के लिए हम मतलब हमने फाइंड किए थे तो एक दूसरे फार्मूले से कर सकते हैं हाइट से. कौन सा? अंडर रूट 2gh. ये फार्मूला किस लिए, किस अजम्पशन पे या किस चीज के लिए आपने डिराइव किया था, कुछ याद है? सर वो इनिशियली तो रेस पे होते हैं. इट वाज फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट तारिक? यस सर, ऐसे ही. लेकिन इसमें तो फोर्स नहीं लग रहा. बेसिकली फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है. तो ये क्या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है? इट इज स्लाइडिंग. सॉरी. ठीक है, तो वी कैन नॉट अप्लाई दैट फार्मूला. जी, एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? कोई और सवाल जो कोई स्टूडेंट पूछना चाहे रिगार्डिंग दिस एग्जांपल 13-9? सर कर्ली थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा ये एग्जांपल. किस स्टेप को? सर ये एक्सेलरेशन वाला जो आपने बताया. देखिए एक्सेलरेशन, अगर मैं, लेट मी क्लियर द स्क्रीन. एक्सेलरेशन इसमें आपको जो है वो, जहां तक ताल्लुक at का है, हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो वी स्टडीड दैट सिंस एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड वेलोसिटी आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेम एक्सिस व्हिच इज द टेंजेंशियल एक्सिस. सो आप जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, दे आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन अ पार्टिकल जिसकी आप एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं अलॉन्ग द टी एक्सिस ओनली. सो टी एक्सिस के अलॉन्ग आप वो स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्मूले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन के आपने 6 फॉर्मूले देखे थे, 6 इक्वेशंस देखी थी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर. 3 ऑफ देम वर द जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस व्हिच वर ऑफ द फॉर्म v इक्वल टू ds बाय dt, a इक्वल टू dv बाय dt एंड a ds इक्वल टू v dv. इसके अलावा फिर इन्हीं 3 जनरल इक्वेशंस को आपने कुछ स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस में इंटीग्रेट करके 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो है वो निकाली थी. एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप इन 6 में से कोई सी भी 3 इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या ये जनरल इक्वेशंस इस्तेमाल करनी है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन. अब आपके पास यहां जो at है, at इज बेसिकली
इक्वल टू जी कॉस ऑफ थीटा. तो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इट इज बेसिकली डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा रादर देन कॉन्स्टेंट. ये हर हर इंस्टेंट पे, सपोज पार्टिकल यहाँ मौजूद है, थीटा डिफरेंट होगा, एटी की वैल्यू डिफरेंट होगी. पार्टिकल यहाँ मौजूद है, थीटा डिफरेंट होगा, एटी की वैल्यू डिफरेंट होगी. सो बेसिकली एटी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा. सो यू कैन नॉट अप्लाई द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन, रादर आपने जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करनी है. अब अगर जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो वो कौन सी इक्वेशन है जनरल काइनेमेटिक वाली जो कि मुझे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एस या थीटा का रिलेशनशिप दे रही होती है, वो आपकी थर्ड इक्वेशन है, ए डी एस इक्वल टू वी डी वी. सो यू हैव अप्लाइड ए डी एस इक्वल टू वी डी वी, एंड सिंस यू आर अप्लाइंग इट अलॉन्ग द टेंजेंशियल एक्सिस, तो आपका ये ए टी डी एस इक्वल टू वी डी वी बन जाता है. ए टी की वैल्यू आपको पता है विच इज जी कॉस ऑफ थीटा. सिंस यू विल बी इंटीग्रेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपने डी एस को भी कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ डी थीटा. तो वो आपने कैसे कन्वर्ट किया, आपके पास रिलेशनशिप होता है एस इक्वल टू आर या रॉ थीटा. सो यहाँ से आपको डी एस जो है वो रॉ डी थीटा के बराबर मिल जाएगा. सो आपने डी एस को रिप्लेस कर लिया है विद रॉ डी थीटा विच इज फोर डी थीटा. अब सिंपली आपने इंटीग्रेट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इज इट क्लियर? जी सर. यस सर, थैंक यू. Okay, now moving to the next problem, which is very much similar to the one which we have solved. अभी जो हमने solve किया है, सिवाय कुछ चीजें जो कि इसमें different हैं. आपके पास एक pendulum है, जिसमें जो ये ball है, it has a mass of 30 kg, and this ball was already traveling with a speed of 4 meters per second when it is at its lowest position. So when the pendulum is at its lowest position, this ball is traveling with towards the right with a speed of 4 meters per second. At this instant, we can say that we have theta is basically equal to 0 degrees. We need to determine the tension in the cord and the rate at which the ball speed is decreasing. ये क्या चीज़ है? Rate at which ball speed is decreasing. क्या कहते हैं इसको? Acceleration. Deacceleration. कोई कंपोनेंट या टोटल? सर टेंजेंशियल कंपोनेंट. इट इज बेसिकली द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो द रेट एट विच द बॉल स्पीड इज डिक्रीजिंग बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. सो वी नीड टू डिटरमिन द टेंजेंशियल कंपोनेंट एज वेल एज द टेंशन इन द कॉर्ड at theta equal to 20 degrees. Neglect the size of the ball. It means that we are going to take it as a particle. Okay, so first of all, drawing the free body diagram of this ball. So this is going to be the tangential axis and this is going to be the normal axis. Yeh aapke paas woh do axis aa gayi hain, T axis aur N axis, jiske through hum analysis karenge. Again, aapke paas jo binormal axis hain, woh yahan is problem mein involved नहीं है. उसके बाद कमिंग टू द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉल, वन इज द वेट ऑफ दिस बॉल विच वुड बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. इसके अलावा और कौन सी फोर्स आनी चाहिए? टेंशन. रिमूव दैट केबल कनेक्शन, आपके पास टेंशन आ जाएगी, दैट वुड बी एक्टिंग टूवर्ड्स द टी एक्सिस. सो इफ दैट एंगल इज थीटा, दिस एंगल वुड ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा. ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो complete हो जाएगी. So your free body diagram is now complete. Applying the equation which is summation say Fn equal to Man. So applying the equation summation Fn equal to Man. What are the forces which are acting along the normal axis? Tension. Any other force? Mg cos theta or tension. So Mg cos of theta, should it be positive or negative? Negative. So negative, so T minus W cos of theta should be equal to M V square over rho. Suppose मैं कहता हूँ this is my equation number one. Again applying it along the tangential axis, summation F T equal to M A T. What are the forces which are acting along the tangential axis? Plus M G sin theta. Plus M G or minus M G? Sorry sir, minus M G. So minus W या माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए टी. लेट मी कॉल इट माई इक्वेशन नंबर टू. एम एम को अगर मैं कैंसिल कर दूं, सो ए टी वुड नाउ बी इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा. ऐसे ही है. सो अगेन
at is basically given to you as a function of theta. So at is not constant, rather at is given to us as a function of theta. So step kya hoga, wahi at ds equal to v dv. ठीक है, तो आपने वही इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जो हमने इससे पिछले प्रॉब्लम में इस्तेमाल की थी, ए डी एस इक्वल टू वी डी वी, या ए टी डी एस इक्वल टू वी डी वी का आप इस्तेमाल करेंगे. ए टी इज माइनस जी कॉस थीटा, सो राइटिंग ए टी एज माइनस जी साइन ऑफ थीटा. व्हाट अबाउट डी एस, इसको हम डी थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं. यस सर, क्या हो जाएगा यहाँ, आर डी थीटा, फोर फोर इंटू डी थीटा. तो 4 इंटू डी थीटा हो गया. अब ये सवाल कराने का मकसद क्या है कि आपने यहाँ भी इंटीग्रल डाला, यहाँ भी इंटीग्रल डाला, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा ये 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेट. व्हाट अबाउट द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड, 4 से v तक. यस, बिकॉज द पेंडुलम वॉज ऑलरेडी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड, सो यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट फ्रॉम 0 टू v, रादर यू आर गोइंग टू पुट इट फ्रॉम 4 टेल वी. सो ये सवाल कराने के दो मकसद थे, एक तो ये कि लिमिट्स आप सही तरह से पुट करें, ये ना हो आंखें बंद करके हर दफा इसको जीरो से वी जो है वो पुट करें. द पेंडुलम वॉज ऑलरेडी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो थीटा की लोअर लिमिट अगर आप 0 डाल लें, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू पुट आउट द लोअर लिमिट ऑफ वी टू बी इक्वल टू 4. ठीक है, तो उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे in order to find out the value of v, जो आपकी v की value आएगी उसको आप equation number 1 में डालेंगे, तो you are going to get the value of tension. So accordingly थोड़ा सा हम इसका solution देख लेते हैं. ये हमने summation f n equal to m a n वाली equation apply की, then we applied summation f t equal to m a t, which will give us a t to be equal to minus g sine of theta. Then we have applied a t d s equal to v d v, and accordingly once we are putting the limits, we are integrating the right hand side from 4 to v and the left hand side from 0 to theta. So the value of v comes out to be 3.357 meters per second. The value of a t comes out to be minus 3.36, and putting these values in equation number 1 will give you the value of tension to be equal to 361.1 newton. Is this problem clear to all of you? Very much similar to the previous problem, सिवाय एक चेंज के, कि जिसमें हमने ये लिमिट्स जो है वो थोड़ी सी चेंज की हैं. क्लियर है तमाम लोगों को? ओके, नाउ इफ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, मैं आपसे कहता हूं कि यू नीड टू डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जिस तक ये बॉल जो है वो स्विंग करेगी. कैन यू फाइंड आउट दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जिस तक ये बॉल स्विंग करेगी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन इट? सर, वी से जीरो तक. दैट्स ट्रू, बिकॉज वी नो दैट वंस दिस बॉल रीचेस टू इट्स एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन, मोमेंटेरली फॉर दैट पोजिशन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. So putting the value of v to be equal to 0 in this equation will basically give you the maximum value of theta. So aap bajaye theta ki value 20 dalne ke, aap v ki value 0 dal dein, to accordingly aapko theta ki value jo hai wo maximum mil jayegi jis tak ye ball swing hogi before coming back towards the left again. So is this point clear to all of you? So exam point of view se हो सकता है मैं आपको ये ना पूछूं, मैं आपसे ये पूछ लूं कि मैक्सिमम स्विंग किस पोजीशन तक होगी, वो डिटरमिन करें, वो थीटा डिटरमिन करें. तो आई होप कि वो थीटा आप फाइंड कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यस सर. ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू द फाइनल एक्सरसाइज प्रॉब्लम, व्हिच इज प्रॉब्लम 13-76. ओके, नाउ इन दिस केस यू हैव अ पार्टिकल व्हिच इज दिस टोबोगन एंड अ राइडर, एंड दे हैव अ टोटल मास ऑफ 90 kg, and they are traveling down along the smooth slope defined by the equation y equal to 0.08 x square. So now here y as a function of x is given to you as 0.08 x square. At the instant when x equal to 10 meters, so once this x is equal to 10 meters, this particle is traveling with a speed of 5 meters per second. So here v is known to you, that when x equal to 10, the
particle is traveling down the smooth incline with a speed of 5 meters per second, you need to determine at this instant what is the rate of increase in the speed. So it means ki aap se at pucha ja raha hai, you need to determine the tangential component of acceleration as well as the normal force which this toboggan exerts on the slope. Jo normal force exert ki ja rahi hai wo aapne determine karni hai. You need to neglect the size of the toboggan and rider. It means that aap isko as a पार्टिकल लेके जो है वो सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकल. ये वो पार्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो द फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम कहते हैं कि दिस इज से द टेंजेंशियल एक्सिस. अकॉर्डिंगली आपके पास उसके 90 डिग्रीज के ऊपर नॉर्मल एक्सिस आ जाएंगी. सो ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सिस आ गई. द फोर्सेज विच आर एक्टिंग हेयर इज द वेट ऑफ दिस राइडर विच वुड बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. The normal reaction force which would be acting along the normal axis. Say aapko ENC force jo hai wo given hai. So W aur NC aapko given hai. Kyunki smooth slope tha to friction involved nahi hai. Otherwise force of friction bhi jo hai wo yahan involve ho sakti thi. Okay, now how we are going to solve it? Any idea? Pehle wohi FN aur FT. Delta FN, delta FT karke. Bilkul theek hai. Summation FN or summation FT likhne ke liye you have to know the value of theta, isn't it? Jabhi aap resolve kar sakte hai na. Theta ki value nikal sakte hai na. Kaise? Yehi to main pooch raha hu. Sir, tan usne hame value di hui hai. Kya naam hai? X value, x ki y component ki hum equation se nikal lenge aur x aur y ki agar pata ho to wo tan wale formula se nikal aayega. Tan inverse of y over x. Tan inverse of y over x. tan theta is dy by dx. y over, dekhe, aap triangle ki baat kar rahe hain, triangle nahi hai, it is a slope. Nahi sir, hum jab us specific usi point ke liye theta nikalna cha rahe hain na. Acha, haan, theek hai. Theek hai. Yes, sir, samajh gaya. Samajh gaye. Ab thoda sa sochiye, sawal karane ka maksad kya hai, warna to bahut asaan ho jata hai isko. Sir, theta slope of the equation se maloom kar lenge. Haan, to slope kya hoti hai? dy by dx hoti hai. ऐसे ही है ना. यस सर. लेकिन सर ग्राफ इज लेकिन इसमें एक और मसला भी है. डू यू नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रॉ? बिकॉज अनलेस एंड अंटिल रॉ इज नोन टू यू, जब आप एम ए एन या एम वी स्क्वायर ओवर रॉ लगाएंगे आपको रॉ की भी जरूरत तो पड़ेगी. सो कैन यू फाइंड आउट दिस रॉ एट द इंस्टेंट व्हेन एक्स इक्वल टू 10? इज देयर एनी फॉर्मूला जो कि हम रॉ को फाइंड करने के लिए यूज कर सकें? चैप्टर नंबर 12 कोई फॉर्मूला पढ़ा था आपने ऐसा? यस सर. क्या था? प्लस dy by dx स्क्वायर होल होल स्क्वायर 3/2 अंडर रूट पूछता सर. सर आपने कहा कि ये कम यूज होगा. देखिए मैंने कहा था कम यूज होगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल यूज नहीं होगा. ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था अगर हम उसको लिखना चाहें? रॉ बेसिकली था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर. याद आया है फॉर्मूला? स्लाइड में लिखा हुआ था. स्लाइड में लिखा हुआ था. So basically we are going to use that formula in order to find out the value of raw, and then we are going to use tan theta equal to slope, which is dy by dx, in order to find out the value of theta. So coming to the solution, y is given to you as 0.08 x square. So accordingly dy by dx would become 0.16 x. when x is equal to 10, this dy by dx would be equal to 1.6. Similarly, differentiating it once again with respect to x, d square y over dx square would be equal to 0.16. The formula for finding the radius of curvature is again flashed to you. Rho equal to 1 plus dy by dx square whole power 3/2 over d square y over dx square. So putting all the values, the value of radius of curvature at this instant comes out to be 41.98 meter. इसी तरह जब हम स्लोप की बात करें, आपके पास स्लोप जो है वो dy by dx से डिफाइन होती है, that is equal to tan theta. So accordingly at this instant theta would comes out to be 57.99 degrees. It means कि आपके पास ये जो theta है
ये 57.99 डिग्रीज आ गए. नाउ योर फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन टू यू हेयर, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे बनाई थी. सो नाउ अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस, समेशन एफ टी इक्वल टू एम ए टी, समेशन एफ एन इक्वल टू एम एन, द फोर्सेज विच आर एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेट. सो यू कैन राइट डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा या डब्ल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जिस तरह भी आप जिस तरीके से भी एंगल लेना चाहें, एन एक्सिस से या टी एक्सिस से, जिस तरह भी आप मेजर करना चाहें. सो ज़्यादा आराम से आप मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, जो ये थीटा बना रहे हैं. सो आपके पास ये डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा विच इज 57.99. सो इससे यू कैन फाइंड आउट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. सो अप्लाइंग इट अलॉन्ग द नॉर्मल एक्सिस, द फोर्सेज विच आर एक्टिंग अलॉन्ग द नॉर्मल एक्सिस इज एन सी माइनस डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर रॉ. सो अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो एन की वैल्यू आ जाएगी. सारा सवाल कराने का मकसद क्या था कि ऑल्दो मैंने कहा यही है कि जनरली रॉ आपको नोन होता है, लेकिन इन केस किसी प्रॉब्लम में रॉ आपको नोन नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नोन नहीं है, लेकिन वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पे गिवन है, तो उस सूरत में फिर आप इस फॉर्मूले के जरिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. चलें, सो विद दिस अवर टॉपिक ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स इज बीइंग फिनिश्ड. अब हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा हम अगले टॉपिक के हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम क्विज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कॉम्पोनेंट्स. ये टॉपिक हम स्टार्ट तो नेक्स्ट वीक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको थॉट देने के लिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर्ड टू द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर और नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम. वजह क्या है, उस वजह को समझने के लिए ये एक ब्लैंक स्लाइड मैंने डाली है, जिसमें थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं उस वजह को समझने के लिए. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सबसे पहले इसको समझने के लिए लेट अस कंसिडर से ट्यूब, पाइप, जो भी आप कहना चाहें, हम इसको कंसिडर करते हैं. सो दिस इज से अ ट्यूब जिसके अंदर आपके पास एक पार्टिकल है विच इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस ट्यूब, और ये ट्रेवल किस तरह कर रहे हैं, आपने इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई की है जिसके नतीजे में ये पार्टिकल जो है वो इस कर्व के अलोंग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं. लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट ताकि आपको इसको मैं सही से समझा सकूं. ओके, सो हम कर क्या रहे हैं कि हमने कहा कि हमारे पास एक अदद स्लॉट है जो कि कुछ इस शेप का है स्लॉट, एंड वी हैव अ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन दिस स्लॉट, इट इज मूविंग इन दिस स्लॉट. किस तरह मूव कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स दिस पार्टिकल इज मूविंग विद इन द स्लॉट. नाउ एज पर अवर डिस्कशन ऑफ काइनेमेटिक्स, हम आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स अगर इसमें डिफाइन करना चाहें तो कुछ याद है हम आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स किस तरह डिफाइन करते थे? हाउ डू वी डिफाइन द आर कोऑर्डिनेट? एनीवन वॉलंटियर? किस चीज का r कोऑर्डिनेट? जो r थीटा कोऑर्डिनेट या काइनेमेटिक्स में हम r एक्सिस डिफाइन करते थे वो कैसे डिफाइन करते थे, कुछ याद है? चैप्टर नंबर 12 में r को सर फ्रॉम सेंटर लेते थे हम. बेसिकली किसी भी फिक्स पॉइंट से, फिक्स ओरिजिन से इस पार्टिकल तक एक एक्सिस डिफाइन करते थे, वो हमारा r कोऑर्डिनेट हो जाता था, और फिर उसी एक्सिस को हम एक्सटेंड करते थे तो हमें r एक्सिस मिल जाती थी. ऐसे ही है? यस सर. ओके, हाउ इन दैट केस हमें थीटा एक्सिस कैसे मिलती थी? परपेंडिकुलर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. परपेंडिकुलर टू द आर एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. सो आपके पास ये परपेंडिकुलर एक्सिस आ गई विच इज द थीटा एक्सिस. ठीक है, सो आपके पास एक पार्टिकल है विच इज ट्रेवलिंग इन अ कर्व पाथ या स्लॉट या पाइप जो भी है, और आप इस पार्टिकल को मोशन कैसे दे रहे हैं? आप इस पार्टिकल को एक अदद अप्लाइड फोर्स जो है वो इस पर अप्लाई करें, टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स. तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास टी एक्सिस हैं, तो यू आर बेसिकली अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स
ऑन दिस पार्टिकल जो कि इसको मूव करा रही है। इस फोर्स को सपोज मैं नाम देता हूँ फोर्स एफ का, जिसकी अप्लाई आप कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग, और ये फोर्स जो है ये इस पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मोशन दे रही है विद इन दिस पाइप। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि जरा इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इस पार्टिकल का कोई ना कोई वेट होगा, वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सो चले मैं वेट को बना देता हूँ, विच इज दिस वेट W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और कौन कौन सी चीजों को आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में शामिल करेंगे? अगर रोप से बांधा हुआ है तो टेंशन, रोप से नहीं बांधा हुआ, ये तो बेसिकली पाइप में मूव कर रही है, नॉर्मल फोर्स क्यों आएगी जब आप पाइप रिमूव करेंगे, पाइप और पार्टिकल का कनेक्शन ऐसे ही है, तो वो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? टी एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो टी एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने ये एन एक्सिस डिफाइन की, इट मींस कि मेरे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो एन एक्सिस के अलोंग आनी चाहिए, ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, अब जरा गौर से इस फिगर को देखें, कोई और फोर्स रह तो नहीं गई? व्हाट अबाउट फ्रिक्शन? पाइप और पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी? यस सर। स्मूथ पार्टिकल या पाइप नहीं है, इट मींस के फ्रिक्शन फोर्स भी होगी, सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्स? सर पॉजिटिव टी एक्सिस। आर यू श्योर? पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, टी एक्सिस पे नहीं है, होगी वो टी एक्सिस के अलोंग ही, बट इट शुड बी एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव टी एक्सिस, ऑपोजिट टू द मोशन होती है ना, रिलेटिव मोशन। अब यहाँ पाइप स्टेशनरी है, पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव करे, तो इट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द मोशन विच इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द नेगेटिव टी एक्सिस। सर पार्टिकल नीचे आ रहा है ना? देखो फोर्स पार्टिकल पे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नीचे आएगा। अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एफ अलोंग द टी एक्सिस, तो वो उसको ऊपर खींच रही है, तो वो नीचे क्यों आएगा पार्टिकल? सर मैं वेट की वजह से समझ आता, मेरे को फ्री फॉल टाइप है। नहीं नहीं, फ्री फॉल नहीं है। ओके, सो इज द फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नाउ? यस सर। चलें अब थोड़ा सा गौर से देखें, आपके पास एक अदद फोर्स है जिसको हमने वेट कहा है, एंड दिस वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे ही है। इसके अलावा आपके पास कुछ फोर्सेस हैं, मसलन ये अप्लाइड फोर्स है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द टेंजेंशियल एक्सिस, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव टी एक्सिस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द एन एक्सिस। आपके पास फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही हैं, आपके पास फोर्सेस एंटी प्लेन यानी एंटी एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं। आपने इन तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व किस एक्सिस के अलोंग करना है? आपने आर और थीटा एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। इट मींस के आपके पास एक ही प्रॉब्लम में वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीनों के तीनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि अभी हमने पढ़े, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। इसमें एक्स वाई प्लेन की फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, इसमें एंटी प्लेन की फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, और इन तमाम फोर्सेस को आपने रिजॉल्व करना है आर और थीटा एक्सिस के अलोंग। तो एक तरह से आपके तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं व्हेन यू आर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स। दैट्स व्हाई आपके पास जो काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कोऑर्डिनेट्स है, इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू द काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि वहां आप एज सच एक या दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कंसिडर कर रहे थे, यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। आपने फोर्सेस को रिजोल्व करने आर थीटा के अलोंग। अब मुझे एक और बात बताएं, ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है या जो फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ है या नॉर्मल फोर्स एन है, इनको आप आर और थीटा एक्सिस के अलोंग कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? व्हाट डू यू रिक्वायर फॉर रिजोल्विंग दीज फोर्सेज अलोंग द आर और थीटा एक्सिस? थीटा, आपको angle. आपको एंगल चाहिए कि ये एफ जो है वो आर एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, या टी एक्सिस और आर एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है, जब ही आप एफ 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 और एन सी को रिजोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, दूसरी एक और बात बताएं, इस डब्ल्यू को भी तो आपने रिजोल्व करने है अलोंग द आर और थीटा एक्सिस, आप डब्ल्यू को कैसे रिजोल्व करेंगे? आपको W का भी एंगल चाहिए R या थीटा से? यस सर। वो एंगल क्या होगा, कुछ अंदाजा है? सर फोर्स और
उसके दरमियान वाले में ऐड कर देंगे आर और एफ वाला। बेसिकली ये हम सिचुएशन देख रहे हैं ना, ये हमारे पास आर एक्सिस है, सो मेरे पास डब्ल्यू एक्ट कर रहे इस पोजीशन पे, सो इफ दिस एंगल इज थीटा, नाइनटी माइनस थीटा, सो डब्ल्यू डिपेंड कर रहे इस वैल्यू ऑफ थीटा पे, इसके अलावा एफ FF और NC डिपेंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ साई के ऊपर, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सिस एंड R एक्सिस। तो मुझे बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये एंगल वगैरह डिटरमिन करने होंगे, तभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को R थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में सही तरीके से लिख सकता हूँ। यही वजह है कि राइटिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ R थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस टू टॉपिक्स। तो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हर एक को हो गई है, बाकी डिस्कशन ये एंगल्स कैसे निकालने वो हम बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीक लेक्चर। फिलहाल इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से कोई चीज जो आप पूछना चाहें, डिफिकल्टी आपका आपको आइडिया हो गया कि क्यों डिफिकल्ट होता है इक्वेशन ऑफ मोशन आर थीटा में लिखना? हमें इस्तेमाल करते क्यों है? देखिये, हमें इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आपको जनरली जब कभी पार्टिकल मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, तो आपको ज्यादातर डेटा इन टर्म्स ऑफ उसके एंगल के हवाले से गिवन होता है कि आपकी ये जो पार्टिकल है इसका पाथ फंक्शन है फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे जो है वो नोन होता है, जिसकी वजह से फिर आपको जाना पड़ता है आर थीटा कोऑर्डिनेट्स की तरफ। ठीक है, ओके। सो फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से कोई चीजें क्लियर हुई है ये वाली जो भी हमने डिस्कस की थी? तफसील के साथ ये एंगल्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्चुअली लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम।